कांग्रेस नेता उदित राज की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की गई टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया है। एमपी बीजेपी के दो दिग्गज नेताओं ने उदित राज को आईना दिखाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उदित राज जैसे नेताओं के बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ने अनुसूचित जाति वर्ग का अपमान करने की सुपारी ले रखी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आसमान की तरफ देख के थूकोगे तो किसी के ऊपर थूकने जाएगा, आपके चेहरे पर ही आएगा। देखिए, या अधीर रंजन जी ने पहले कहा हो या अभी उदित राज जी ने कहा हो, आप कांग्रेस की पूरी थीम को देख लीजिए। ये तो नेशनल बात है श्रद्धेय मुर्मू जी की। आप मध्य प्रदेश को ले लो, अधीर रंजन जी भी राष्ट्रपति जैसे महामहिम जैसे पद पे असंसदीय शब्द बोले। मूल रूप से ये अनुसूचित जनजाति का अपमान करते हैं। अकेले महामहिम की बात नहीं, देश की बात है। मध्य प्रदेश के अंदर देखो आप, शिवभान सिंह जी सोलंकी, श्रद्धेय जमुना देवी जी, दलवीर सिंह जी और अभी जो वर्तमान में हमारे नेता हैं, उन सब के अपमान की जैसे कांग्रेस ने सुपारी ले ली।